परिचेत गर्भ में रहो और बैठे मेरे रहो झुकाया में देवकी बहुत दुखी हो रही थी। भाइयों अक्रूर जी ने बहुत समझाया, कहने लगे आज तुम आए हो वो भी कंस का पत्र लेकर के आए हो। कहने लगे मेरे पास तो अभी भी वक्त नहीं था। फिर बोली सुनो कि पापी कंस ने न्योता दे वृंदावन में पठाओ, सुन सुन के बाकी धमकी रे प्रारंभ रुक बनाओ। इससे अच्छा तुम मुझे मौत की खबर सुना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। भगवान कहने लगे रो ना मां। तब तक आ गए, बोले मैया रोने से कुछ नहीं होगा, मामा ने अनुष्ठान किया है, मुझे जाना है। घर घर में यात्रा का सामान तैयार होने लगा, गैया खूंटा पे बाह बाह करके रमाने लगी, पक्षी चू चू चिल्लाने लगे, वृंदावन शमशान के समान नजर आने लगा। इधर गोपियों ने सुना, भगवान कन्हैया के पास पहुंची, बोली श्याम सुंदर तुम ये कहा करते थे कि राधे तुम्हारे बिन वृंदावन सूना लगता है, मगर कहां जा रहे हो मुझे बता भी नहीं सकते। उंगलियां पकड़ के रोए के राधा बोली कि रोई गई राधा सुकुमारी कोई बकर श्याम को भार। कन्हैया कहा तुम्हें मेरी याद नहीं, राधा तुम बिन न जी पाए। बोलो बोलो कछु बनवारी।
हरि श्याम को क्या मुझे